हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल प्रवीण स्पीक में। मैं प्रवीण झा स्वागत करता हूँ आपका। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया वेस्ट इंडीज़ के पहले T20 का जो कि अमेरिका में खेला गया उसके बारे में। देखते हैं कि क्या हुआ है आज, उसके बारे में थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे, क्या हुआ, किसने क्या किया, किसने कितने रन बनाए, उसके बारे में थोड़ा से डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि वेस्ट इंडीज़ को इंडिया ने हरा दिया है, तो इस तरह से है कि वेस्ट इंडीज़ ने पहले बैटिंग करते हुए 96 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पे। कि 96 रन बनाए इंडिया के बॉलर ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की, शानदार बॉलिंग की, जिसके सामने इंडियन के बैट्समैन जो चैम्पियन बैट्समैन है वो टिक नहीं पाए और उन्हें 96 रन पे ऑल आउट कर दिया। तो इंडिया के जो बॉलर है जिन्होंने बॉलिंग की है, मैं आपको कुछ उनका डाटा बताऊँगा। जैसे कि वाशिंगटन सुंदर जो कि स्पिनर है, 1 विकेट लिए। भुवनेश्वर कुमार ने 2 विकेट लिए। नवदेश सैनी, उनका आज पहला T20 इंटरनेशनल था, डेब्यू था, उन्होंने 3 विकेट लिए। खलील अहमद, उन्होंने 1 विकेट लिया। कुणाल पांड्या ने 1 विकेट लिया। रविंद्र जडेजा ने 1 विकेट लिया। मतलब कि इंडिया के 6 बॉलर को लगाया गया और 6 ने विकेट दिलाए हैं इंडिया को। इससे पता चलता है कि वेस्ट इंडीज़ के बैट्समैन जो माने जाते हैं इतने बड़े बैट्समैन शॉर्ट फॉर्मेट के लिए, उन्हें उनका बल्ला आज शांत रहा और कहा जाए कि इंडिया के बॉलर ने उन्हें शांत कर दिया आज। उसके जवाब में इंडिया ने 98 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पे 17.2 बॉल में, यानी 17 ओवर 2 बॉल में उन्होंने यह मैच को जीत लिया और 6 विकेट भी गिरा उनका। तो इतना आसान था नहीं जितना आसान लग रहा था कि पहले बैटिंग करने के बाद वेस्ट इंडीज़ ने जो बनाया 96 रन बनाए उसको आसानी से इंडिया चेस कर लेगी, पर ऐसा हुआ नहीं। इंडिया को भी मशक्कत करना पड़ा, जिसके तरफ से रोहित ने 24 रन बनाए, धवन ने 1 रन बनाया, कोहली ने 19 रन बनाया, पंत ने 0 रन बनाया, मनीष पांडे ने 19 रन बनाया, रविंद्र जडेजा ने 10 रन बना करके नॉट आउट थे, क्रीज पे थे, और वाशिंगटन सुंदर 8 रन बना के नॉट आउट क्रीज पर थे। तो यानी ये 2 बैट्समैन रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर क्रीज पर थे और उन्होंने मैच जीत लिया। तो और वेस्ट इंडीज़ के जो बॉलर थे जिन्होंने बॉलिंग किया, शेल्डन कॉटरेल ने 2 विकेट लिए, सुनील नारायण ने 2 विकेट लिया और किरण पॉल केमो पॉल ने 2 विकेट लिया। तो 6 विकेट जो गिरे, ये इन्हें 3 बॉलर ने 2 विकेट लिया और इस वजह से रन कम होने के कारण इंडिया ने ये मैच को जीत लिया। अगर ज़्यादा रन हो रहा था, थोड़ा 10 से 20 रन और ज़्यादा रहता तो थोड़ा टफ होता गेम और देखने में थोड़ा सा और मज़ा आ जा। फिर भी मैच अच्छा रहा, लेकिन इंडिया के यंगस्टर जो थे उनके लिए अच्छा नहीं रहा गेम, उन्होंने ऐसा प्रदर्शन किया नहीं। मैन ऑफ द मैच नवदीप सैनी को लिया गया क्योंकि उनके डेब्यू मैच में उन्होंने शानदार बॉलिंग करके और सबसे ज़्यादा विकेट 3 विकेट लिए उन्होंने। तो इंडिया ने यह गेम को 4 विकेट से जीत लिया। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि ये जो गेम हुआ है, इस गेम में जैसा देखा जाए कि 96 रन जो बनाया गया वेस्ट इंडीज़ ने, उसके जवाब में 98 रन इंडिया ने बनाया। तो ऐसा गेम जो हुआ, जैसे पहले बैटिंग करते हुए वेस्ट इंडीज़ 96 बनाए, तो लग रहा था कि इंडिया जीत जाएगा आसानी से। जीतेगा तो, लेकिन बट आसानी से जीत जाएगा, लेकिन उनके बॉलर ने शानदार बॉलिंग के हमारे पहले ओपनर को चलने नहीं दिया। लास्ट में विराट कोहली ने कुछ रन बनाए, 19 से 20 रन बनाए। उसके बाद पंत आए, पंत ने अपना खाता भी नहीं खोल पाया, पहले ही 2 गेंद में आउट हो गए। तो इस तरह का ये जो कम रन की जो टारगेट था, जिस वजह से इतना आसानी से चेस नहीं हो पाया। तो कैसा भी हो, जीत होता है, अंत में हम लोग जीत गए और ये पहला T20 गेम हम लोग जीत गए। अब 2 बचे हुए हैं, देखते हैं क्या होता है अब ये। तो दोस्तों, ये कैसा लगा आपको वीडियो, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट्स करना, बताना कि कैसा लगा आपको, शेयर करना अपने दोस्तों के बीच बताना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।